दोस्तों WTC फाइनल से पहले इंग्लैंड में आया ईशान किशन का तूफान 58 गेंदों में ठोके 140 रन। ऑस्ट्रेलिया की धड़कनें हुई तेज, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं ईशान किशन और टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि अब WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला जाने वाला है, जिसके लिए आपको बता दें कि टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच चुकी है। जी हां, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो यह मुकाबला 7 जून से 11 जून के बीच लंदन के ओवल के मैदान पर खेला जाने वाला है। और इस खिताबी मैच के लिए घोषित भारतीय टीम में विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन और केएस भट्ट को जगह दी गई है, और ऐसे में दोनों में से किसी प्लेइंग 11 को मौका दिया जाएगा, इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। और ऐसे में इसी बीच ईशान किशन ने नेट में शानदार शॉट्स खेले और उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि उसमें दोस्तों कमाल की पारी के लिए आपको बता दें कि ईशान किशन ने नेट प्रैक्टिस में यानी कि प्रैक्टिस मैच में 58 गेंदों में 140 रन ठोक डाले। जी हां, और ऐसे में वहीं आपको बता दें कि जहां ईशान किशन ने आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस मैच में दोस्तों जिसमें वह नेट प्रैक्टिस में बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं और ईशान किशन ने हर तरह के शॉट्स खेले हैं। एक में वह आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ एक छक्का जड़ते हैं, तो इसके अलावा ईशान किशन द्वारा कवर ड्राइव भी खेली जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि ईशान किशन ने भले ही अब तक टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया हो, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। और झारखंड की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले ईशान किशन ने जुलाई 2014 में असम के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 48 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से उन्होंने 38.76 की औसत से 68.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 2985 रन बनाए अपने नाम किए हैं। इसी बीच वह 273 रनों के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 शतक और 13 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है ईशान किशन के बारे में, और आपको क्या लगता है क्या ईशान किशन को WTC के प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत